बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सद्दाम हुसैन फ्रॉम चैनल मदीना एजुकेशनल सिस्टम। एफएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स पासिंग थ्रू एन एरिया इस कार्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसको हमने मैथमेटिकली पढ़ा था फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। और यहां पर हमने एक और कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया था कि एरिया जो है वो वेक्टर एरिया लेना है, सरफेस एरिया कंसीडर नहीं करना। आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ेंगे एट एक सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, बच्चे यहां गौर से देखें। हमारे पास एक स्फीयर है और जिसके सेंटर में एक चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है, और हमने इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बाय डेफिनेशन फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए के बराबर होता है। इस फॉर्मूला को अप्लाई करने के लिए एरिया आपके पास फ्लैट होना चाहिए, जबकि स्फीयर में एरिया फ्लैट नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को स्मॉल स्मॉल एरियाज में डिवाइड कर लेते हैं, बिल्कुल इस तरह जिस तरह आपके पास फुटबॉल है और फुटबॉल के ऊपर मुख्तलिफ कलर्स के जो छोटे छोटे स्मॉल एरिया बने होते हैं, उस तरह हम इस पूरे स्फीयर को एक स्मॉल एरिया में डिवाइड कर लेते हैं ताकि एरिया फ्लैट हो जाए और हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के इस फार्मूले को इस पर अप्लाई कर सकें। तो एरिया को हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पैचेस हैविंग मैग्नीट्यूड। ये देखिए डेल A1, डेल A2, डेल A3 सो ऑन टू डेल AN। अब क्या करते हैं, हर एरिया के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है और उसके मल्टीप्लाई करके हम फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास जो टोटल फ्लक्स होगा वो होगा हमारे पास E1 डेल A1 प्लस E2 डेल A2 सो ऑन टू EN डेल AN, यानी कि तमाम पैचेस के लिए हमने अलग अलग फ्लक्स को फाइंड आउट कर लिया। अब आपको पता है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है पॉइंट प्लस Q चार्ज के लिए हर एरिया में सेम रहती है, यानी E1, E2 और वो EN के इक्वल है जो 1/4 pi epsilon naught Q/r² के। तो हम क्या करते हैं, हम E को कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास डेल A1 प्लस डेल A2 सो ऑन टू डेल AN आ जाते हैं। अब ये हमारे पास जो आ गया, ये सारा का सारा हमारे पास टोटल स्फेरिकल एरिया, हमारे पास सरफेस एरिया आ गया, और E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। अब E का फॉर्मूला आपने पढ़ा है 1/4 pi epsilon naught Q/r² है, जबकि स्फीयर का एरिया जो होता है वो 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल होता है। 4 पाई r स्क्वायर के से कट जाता है, हमारे पास बाकी बचता है Q और एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आ गया फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस Q/एप्सिलॉन नॉट। तो यहां अगर इस फॉर्मूले पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज और मीडियम पर डिपेंड करता है, ना कि ज्योमेट्री यानी शेप ऑफ मटीरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो देखते हैं डिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस। तो सबसे पहला जो है दैट इज चार्ज, नंबर 2 मीडियम। तो देखिए Q चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट मीडियम है, जिस पर डिपेंड नहीं करता, वो देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप एंड ज्योमेट्री ऑफ द क्लोज सरफेस, और हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द चार्ज, चार्ज कहां पड़ा है, तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता। अब बेटे इसी को हम यूज करके हम पढ़ेंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ बेसिकली ये जो हमारे पास रिजल्ट फाइनल आया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एनक्लोजिंग अ चार्ज, इसका जो रिजल्ट फाइनल आया है दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द गॉसेस लॉ। तो देखते हैं गॉसेस लॉ क्या है। गॉसेस लॉ से पहले हम एक एमसीक्यूज देखते हैं। तो एमसीक्यूज है गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर प्लेन सरफेस, कर्व्ड सरफेस, क्लोज सरफेस और ऑल ऑफ दिस। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस एमसीक्यूज का आंसर पता चले तो आप इस पूरे लेक्चर को तवज्जो से सुने। इसी लेक्चर में हम आंसर भी बताएंगे और आप सुनने के बाद इस काबिल हो भी जाएंगे इंशाल्लाह कि आप इन एमसीक्यूज का आंसर दे सकें। तो आए हमारे पास गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ की स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट में गॉसेस लॉ द फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस, यहां देखें अभी थोड़ा सा गौर करें तो फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय इट। तो जो हमने लास्ट टाइम स्टेटमेंट पढ़ी थी फाई ई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन नॉट, तो वही बात है कि 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ओवर टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। गॉसेस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर क्लोज सरफेस। नेक्स्ट हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म देखें। तो ये हमारे पास फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स 1/ε नॉट टाइम्स ओवर क्यू इंटू क्यू, क्यू मीन टोटल चार्ज। तो देखिए गॉस लॉ इज अप्लाइड टू कैलकुलेट द इंटेंसिटी, यानी कि इसका मकसद क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो गॉस लॉ की नेक्स्ट हमारे पास है एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में पढ़ने से पहले हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जिनके आंसर आपको इसी लेक्चर में बताए जाएंगे। आप ये लेक्चर पूरा सुने और सुनने के बाद आप खुद भी इस काबिल हो जाएंगे कि आप इन एमसीक्यूज का आंसर दे सकें। सबसे पहला एमसीक्यूज है शेप ऑफ द गॉसियन सरफेस। वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है, सिलेंड्रिकल होती है, बॉक्स टाइप होती है और एनी एट ऑर्बिट्रेरी क्लोज सरफेस। तो बी ऑप्शन इसका एनी क्लोज ऑर्बिट्रेरी शेप है हमारे पास। सेकेंड एमसीक्यूज है हमारे पास ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम क्यू, सिग्मा ओवर एप्सिलॉन, सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन और 0। क्या ऑप्शन बनता है देखते हैं इस टॉपिक के बाद। नेक्स्ट हमारे पास द पोटेंशियल इनसाइड अ होलो चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर वेरीज डायरेक्टली एज डिस्टेंस, वेरीज इनवर्सली एज डिस्टेंस, इट्स इज कांस्टेंट, वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। नेक्स्ट दैट्स द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन में सबसे पहले स्टेप्स हैं कुछ जो हमने फॉलो कर ले और उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज गॉसियन सरफेस, आपने इमेजिन करनी है। तो गॉसियन सरफेस क्या होती है? एन इमेजिनरी क्लोज सरफेस विच मस्ट पास थ्रू द पॉइंट एट विच द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज टू बी एवेल्युएटेड। यानी कि आपके पास वो क्लोज सरफेस जिस जो ऐसे पॉइंट से गुजर रही हो जिस पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। अब इसमें स्टेप्स देखें। First step is assume the Gaussian surface. Second step, find surface charge density. Third step, find electric flux by definition. Fourth step, find flux by Gauss's law. And the last one is compare two flux to calculate the electric field intensity. तो आइए हम देखते हैं सबसे पहली एप्लीकेशन इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन साइड अ होलो चार्ज स्फीयर। ये देखिए हमारे पास एक स्केच है जो हमने बुक से लिया है। हमारे पास एक होलो चार्ज स्फीयर है और चार्ज को हमने स्कैटर करवाया हुआ है ओवर द सरफेस। इनसाइड द सरफेस हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है। इस स्फीयर का रेडियस बेटा r है और ये हमने गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया दैट इज r डैश। तो देखिए r डैश इज लेस देन r। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है होलो चार्ज मेटल स्फीयर में 0 होती है। किस तरह ये हम देखते हैं। आपको होता है फाई ई हमारे पास जो होता है दैट इज क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू इनसाइड द गॉसियन सरफेस 0 है, 0 ओवर एप्सिलॉन नॉट इज 0। उसके बाद देखिए हमने डेफिनेशन में फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए। फाई ई आपने अभी कैलकुलेट किया दैट इज इक्वल टू 0 यानी कि ई डॉट ए इज इक्वल टू 0 हो गया। यहां पर देखिए आपके पास एरिया किसी भी सरफेस का 0 नहीं होता, तो इट मींस दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो मेटल स्फीयर इज इक्वल टू 0। तो देखिए एरिया इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर electric field intensity is equal to 0. Any apparatus placed within a metal enclosure is shielded from electric field. तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल आप टेस्ला केज यूट्यूब पर सर्च करें तो आप देखेंगे कि उसमें इनसाइड जो होता है वो फील्ड 0 होता है। इस वजह से उसमें एक बंदे को बंद करते हैं और उसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज को उसके ऊपर स्कैटर करवाते हैं। तो वो देखते हैं कि वो बंदा इनसाइड द केज जो है वो सेफ रहता है। क्यों? क्योंकि इनसाइड मेटल स्फीयर जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो 0 होती है। सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो यहां देखें ये आपके पास एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को स्कैटर किया हुआ है। हम सबसे पहले तो गॉसियन सरफेस को इमेजिन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। तो ये हमारे पास है सरफेस चार्ज डेंसिटी। स्टेप्स देखें। फर्स्ट स्टेप था सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहां से हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। ये हमने गॉसियन सरफेस इमेजिन की। तो देखते हैं गॉसियन सरफेस इज अज्यूम्ड इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हैविंग 2 फ्लैट सरफेसेस एंड 1 कर्व्ड सरफेस। यहां देखें ये एक फ्लैट सरफेस है, सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस कर्व्ड सरफेस। पहली फ्लैट सरफेस में देखें ई और ए वेक्टर एरिया ए एक दूसरे के पैरेलल है और दूसरी फ्लैट सरफेस में भी देखें ई और वेक्टर एरिया ए एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि यहां और यहां फ्लक्स मैक्सिमम होंगे। जबकि हमारे पास कर्व्ड सरफेस में ई और वेक्टर एरिया ए एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी यहां पर फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो फ्लक्स थ्रू अ फ्लैट सरफेस जो हमारे पास फर्स्ट फ्लैट सरफेस के लिए ई डॉट ए और सेकंड के लिए भी ई डॉट ए, तो हमारे पास आ गया ई ए, यानी टू टाइम्स हमारे पास आ जाएगा। कर्व सरफेस में फ्लक्स क्योंकि ई और ए के दरमियान एंगल 90 है, कॉस 90 जीरो होता है, तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ गया दैट इज इक्वल टू 2E डॉट ए। अब आते हैं फ्लक्स थ्रू बाय गाउस लॉ। तो गाउस लॉ में देखें फाई ई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू आपको पता है सिग्मा ए के इक्वल होता है, तो सिग्मा ए की वैल्यू पुट कर दी क्यू की, तो सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट दैट इज द फ्लक्स बाय गाउस लॉ। और लास्ट स्टेप था कंपेयर कर देना दोनों फ्लक्स को, तो ये फर्स्ट फ्लक्स है सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन नॉट और दूसरा हमने कैलकुलेट किया 2E डॉट ए। तो यहां से देखें एरिया एरिया से कैंसिल हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स के साथ चला गया, तो ये हमारे पास आ गया E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन R यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, तो R क्या है, R इज अ यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द शीट दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। थर्ड और लास्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। तो देखिए इसमें सबसे पहला स्टेप सरफेस चार्ज डेंसिटी आप फाइंड आउट करेंगे दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, और यहां से हम चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे दैट इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू सिग्मा ए। नेक्स्ट देखें इमेजिन करनी है हमने गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ होलो बॉक्स। तो ये आप स्केच देखें, यहां पर देखिए हमने एक होलो बॉक्स इमेजिन किया है जिसकी सर्फेसेस 1, 2, 3 और 4। सर्फेस 1 और 3 को गौर से देखें तो ए वेक्टर एरिया और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहां भी देखें ए वेक्टर एरिया और ई एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। जबकि सरफेस 4 में कोई चार्ज नहीं है, यानी यहां पर फ्लक्स जीरो होगा और यहां पर भी फ्लक्स 1 पर और 3 पर भी जीरो होगा। 2 में देखें तो ये वेक्टर एरिया ए डाउनवर्ड है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, यानी यहां पर फ्लक्स मैक्सिमम होगा। तो देखते हैं फ्लक्स थ्रू द सर्फेसेस। फर्स्ट सर्फेस के लिए देखिए बेटा जीरो, सेकेंड के लिए ई डॉट ए, थर्ड के लिए भी जीरो और फोर्थ के लिए भी जीरो, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास ई डॉट ए आ गया। आगे फ्लक्स बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ में देखें गॉस लॉ होता है क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू आपको पता है सिग्मा ए, तो ये हमारे पास आ गया सिग्मा ए ओवर एप्सिलॉन। इन दोनों हम फ्लक्सेस को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो ये बाय गॉस लॉ और ये बाय डेम्नेशन है। तो यहाँ एरिया एरिया से कट गया, तो यहाँ देखिए सिग्मा ओवर एप्सिलॉन इज इक्वल टू ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आर यूनिट वेक्टर आ गया, ये हमें बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट की तरफ है। R is a unit vector from positive to negative, तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, R जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज के लेक्चर में हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर फिजिक्स के। तो पहला टॉपिक हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्लोज सरफेस में फाइंड आउट किया। सेकंड टॉपिक दैट इज गॉस लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आंसर भी, लॉन्ग के लिए आंसर भी, और वो हमने डिस्कस किया कि उसकी एप्लीकेशंस भी हमने डिस्कस की। होप्स हो कि आपको लेक्चर हमारा अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।